कोरोना में बनकर आए फरिश्ते अब कैंसर की वैक्सीन को भी लेकर आने वाले हैं। दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाने वाली पति पत्नी की जोड़ी अब दुनिया को कैंसर से भी मात देने के लिए तैयार है। बेहद सफल वैक्सीन बनाने वाली जर्मन कंपनी बायोनटेक की कोफाउंडर ओसलेम ने कहा कि उनका अगला टारगेट कैंसर है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओसलेम ने कहा कि हमारे पास mRNA की तकनीक पर आधारित कैंसर की कई वैक्सीन हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ ही सालों में कैंसर की वैक्सीन लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। बता दें कि बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन mRNA यानी नई तकनीक पर आधारित है। बायोनटेक इस वैक्सीन का उत्पादन फाइजर कंपनी के साथ मिलकर कर रही है, इसीलिए इसे फाइजर की वैक्सीन भी कहा जा रहा है। फाइजर की वैक्सीन दुनिया के सबसे अधिक देशों में इस्तेमाल की जा रही है और इसकी सफलता की दर 95% बताई गई है। ओसलेम ने अपने पति के साथ मिलकर बायोनटेक कंपनी खड़ी की थी। कोरोना वैक्सीन तैयार करने से पहले वह ऐसी दवा तैयार करने पर काम कर रही थी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्यूमर से लड़ने के लिए तैयार कर सके। इसी दौरान एक दिन उन्हें चीन में कोरोना वायरस फैलने की खबर मिली और उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए करेंगे, जिसमें कि वे सफल भी हुए। ओसलेम करीब 2 दशक से mRNA तकनीक पर काम कर रही थी। इसी रिसर्च की बदौलत उन्होंने कम समय में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली। अब तक दुनिया में करोड़ों लोगों को यह वैक्सीन दी जा चुकी है। ब्रिटेन ने सबसे पहले फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी और फिर अमेरिका ने भी इसे अप्रूव कर दिया था। कम समय में कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की वजह से बायोनटेक कंपनी का प्रोफाइल बढ़ गया है। अब कंपनी अपने मूल लक्ष्य यानी कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए अधिक फंड मुहैया करा सकती है। बता दें कि बायोनटेक की स्थापना साल 2008 में हुई थी। हाल ही में शुक्रवार को ओसलेम और उनके पति उगुर को जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैंसर कितने तरीके के हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर। स्तन का कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे आम कैंसर है। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जोली को ब्रेस्ट कैंसर के खतरे के कारण अपने स्तन हटवाने पड़े थे। पैनक्रियास का कैंसर। पेट के पीछे छोटी सी पाचक ग्रंथि होती है जो पाचन प्रक्रिया में हमारी मदद करती है। एप्पल के CEO स्टीव जॉब को पाचन ग्रंथि का कैंसर था। 8 साल तक इसे लड़ने के बाद उनकी जान चली गई। फेफड़ों का कैंसर। धूम्रपान के कारण होने वाला सबसे आम फेफड़ों का कैंसर है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से भी इसका खतरा बढ़ता है। बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है क्योंकि वे बड़ों की तुलना में सांस के साथ अधिक हवा शरीर में लेते हैं। खून का कैंसर। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना को एक खास किस्म का खून का कैंसर था। इस फिल्म ने लोगों का ध्यान इस बीमारी की ओर खींचा जिसके बारे में पहले बहुत बात नहीं हुआ करती थी। ब्रेन कैंसर। आमतौर पर सिगरेट और शराब को कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में दिमाग के कैंसर की यह वजह नहीं होती। इसमें दिमाग की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। कोलन कैंसर। आंत का कैंसर अधिकतर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है। आंतों में असामान्य रूप से गांठे बनने लगती है जो सालों तक वहां रह सकती हैं, लेकिन आखिरकार कैंसर का रूप ले लेती हैं। प्रोस्टेट कैंसर। अमेरिका में पुरुषों के कैंसर में सबसे आम प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसी ग्रंथि में शुक्राणु होते हैं। इस कैंसर के शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए जब तक इसके बारे में पता चलता है इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। लीवर का कैंसर। लीवर के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है शराब। यह सबसे आम किस्म का कैंसर है। कई बार कैंसर शरीर में कहीं और शुरू होता है और फिर लीवर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में कैंसर रोग ज्यादा पाया गया है। हालांकि अध्ययन में ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि क्यों नाइट शिफ्ट का काम कैंसर के को बढ़ाता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक जैविक घड़ी होती है जो 24 घंटे दिन और रात के मुताबिक काम करने वाले यंत्र से लैस होती है। उसकी सक्रियता लेवल दिन या रात में अलग अलग होती है। शोधकर्ताओं का विचार था कि उस लय में छेड़छाड़ से कैंसर का खतरा बढ़ता है।